इस समय खालिस्तान को लेकर सरकार पूरे फोरफ्रंट पर है और कनाडा, यूके, यूएस में जो खालिस्तानी समर्थक या आतंकवादी हैं उन सब पे नकेल कसने के लिए लगातार एक्शन जारी है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए वाईसी मोदी, फॉर्मर डीजी एनआईए हैं, जिन्होंने गुरपंत सिंह पन्नू को बहुत करीब से देखा, इन्वेस्टिगेशन को लीड किया, उसके साथ साथ खालिस्तान मूवमेंट के इस पूरे एक एक चीज को बारीकी से देखा। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। सर, गुरपंत सिंह पन्नू अब एक बहुत ही बड़ा आतंकी उसे माना जा रहा है, खालिस्तान परस्त लोगों का एक पूरा उसने सिंडिकेट तैयार कर लिया है जिसमें गैंगस्टर्स हैं, जिसमें अब उनके स्लीपर सेल्स या ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, खुद यूएस में है लेकिन यूके, कनाडा सब जगह अपने गुर्गे खड़े कर दिए। कहाँ से ये शुरुआत हुई, कैसे हुई, किस तरीके से आपने गुरपंत सिंह पन्नू समेत गोल्डी बरार या फिर अर्शदीप दल्ला इन सब लोगों पे नकेल कसी? देखिए, आप जानते हैं कि एनआईए देश की प्रीमियर एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। एनआईए के रडार पर जो भी व्यक्ति एंटी नेशनल टेररिज्म का काम में इन्वॉल्व होता है वह एनआईए के रडार पर रहता है। जहां तक पन्नू का सवाल है, क्योंकि खालिस्तान को हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया में इतनी सपोर्ट नहीं है, पंजाब में गिने चुने लोग हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, लेकिन विदेश में इन लोगों को एक इस चीज़ की सुविधा रहती है कि ये जो भी इंटरनेशनल एक्टिविटी करें या जो भी भारत के खिलाफ बोलें उस पर इनके खिलाफ तुरंत एक्शन नहीं होता है। भारत और भारत की एजेंसीज सब इन लोगों पर ट्रैक करती रही हैं, इन लोगों का ट्रैक करती रही हैं। जब जहां तक पन्नू का सवाल है, मुझे याद पड़ता है कि 2020 में इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज थी उनको अटैच किया गया। पन्नू उस ढंग से बुखलाया हुआ है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में शायद ये इंटर गैंग राइवलरी के कारण कुछ खालिस्तानियों की आपस में इन लोगों ने एक दूसरे की हत्या की है और उस गैंग राइवलरी के चलते इन सब में भय का वातावरण है। और जहां तक इंडिया की बात है, ये लोग समय समय पर कोशिश करते रहे हैं। पन्नू ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है सिख फॉर जस्टिस, उस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बार प्रयास किया है कि एक सो कॉल्ड रेफरेंडम कराए, जिस रेफरेंडम के माध्यम से ये सारी दुनिया को ये प्रूव करने की कोशिश करे कि भारत में जो सिख्स हैं वो देश से अलग होना चाहते हैं, परंतु इसको इस काम में सफलता नहीं मिली है। और इसी वजह से ये जहाँ जहाँ विदेशों में बैठे लोग हैं वो सो कॉल्ड लिबरलिज्म के नाम से, सो कॉल्ड मतलब कि वो अपने खुले विचारों की वजह से वो क्लेम करते हैं और उनमें से कुछ लोग, उन लोगों को ये लोग बहला फुसला कर, मोटिवेट करके, कुछ प्रलोभन देकर ये उन लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन लोगों के द्वारा ये वहाँ हमारी एम्बेसी पे प्रदर्शन कराए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने जो स्ट्रॉन्ग रुख लिया है वो शायद इनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। कनाडा में जो हुआ, वहाँ की सरकार हम जानते हैं, ट्रूडो सरकार जिस पर डिपेंडेंट है वो खालिस्तान से संबंधित हैं, उसके लोगों का, उस पार्टी का, पार्टी की सिंपथी है खालिस्तान के साथ, तो उन लोगों को अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको खुश करने के लिए ट्रूडो ने पार्लियामेंट में बिना सोचे समझे वो एक स्टेटमेंट दी जिसमें उसने एलिगेशन लगाया भारत सरकार पर। संभवतः उसको भी इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की अंदाज़ा नहीं था, लेकिन भारत की प्रेजेंट सरकार जो नॉन सरकार कहलाती है
उसने बड़ा कड़ा रुख लिया और उस रुख पर जहाँ तक सवाल है खालिस्तानियों का, उन सब को इस समय मेरी मानना यह है कि वो घबराहट हुई है, बौखलाहट हुई है और भारत के इस स्ट्रॉन्ग रुख का सारे देश में स्वागत हुआ है। सर, कनाडा एक तरीके से सेफ हेवन के तौर पर जो हमारे अभी एमईए हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने कहा है कि हमने कई बार उनको डिटेल दी है कि आपकी धरती पर खालिस्तानी पनप रहे हैं और देश के यानी भारत के विरुद्ध वो कार्रवाई करने के लिए लड़कों को रेडिकलाइज और गुमराह कर रहे हैं। सर, इसमें दो जुड़े सवाल हैं। पहला, हमने जो डोजियर्स दिए हैं उसमें गोल्डी बरार, गुरपंत सिंह पन्नू, निज्जर, उसके अलावा अर्शदीप दल्ला, कुलदीप बिश्नोई का जो बाकी गैंग्स हैं जो वांटेड लिस्ट में भी हैं एनआईए के, क्या उनकी डिटेल हमने लगातार हम बताते आए हैं उनको, नंबर वन। नंबर टू, क्या किस तरह से ये वहां पर बैठकर देश के विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी करते हैं, खासतौर पर यहाँ पे लड़कों को गुमराह करके या इजी मनी का लालच देते हैं या वहां पे माइग्रेट करवाने का? देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहा है। हम लोग जितने भी विदेशों में, चाहे वो टेररिस्ट हो या जो भी क्रिमिनल्स हैं, उनके बारे में हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट्स को सूचना देते रहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एक रेगुलर प्रोसेस है, वो हमारे एजेंसी टू एजेंसी लेवल पर और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर हम लोग वो सारी सूचनाएं उनको देते हैं। कुछ देशों में से हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिलता है, कुछ देशों में समय लगता है, कुछ देशों से बिल्कुल नहीं मिलता है। ये उस तरह की स्थिति है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कनाडा के लिए, सेफ हेवन बनने का मतलब ये है कि हम लोगों के द्वारा एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के बावजूद भी जब वहाँ से जिस तरह की रिस्पांस मिलनी चाहिए उस तरह की रिस्पांस हमें नहीं मिलती रही है, तो इन लोगों ने ये महसूस किया कि वहाँ उन लोगों के लिए एक तरह से सेफ हेवन बन गया है। और ये ट्रूडो सरकार, पहले 2018 में शायद ट्रूडो आए थे, उसके बाद से भारत को बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं मिला है, जबकि प्रयास हमारी तरफ से रेगुलर रहा है। हम लोग रेगुलर इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन इन लोगों को प्रोवाइड करते रहे हैं। जहाँ तक इंडिया में वारदात करवाने का प्रयास का सवाल है, आपने देखा है कि इन लोगों की कार्रवाई हुई, छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं पास्ट में। ये लोग जो भी हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ विदेश में जाने का क्रेज रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं, कोई फेक पासपोर्ट पे जाता है, कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे जाता है, कोई वहाँ जाकर असाइलम ले लेता है, तो उन टैलेंट को ये एक तरह से स्पॉट करते हैं। उन लोगों को ये जानते हैं कि ये लोग बड़े वल्नरेबल हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर ये उन लोगों को ग्रूम करते हैं। और वो लोग, क्योंकि वो लोग रिसेंटली इंडिया से आए हैं, इंडिया में उनके साथी हैं, उनके संबंधी हैं, तो वो लोग उन लोगों के थ्रू ये हिंदुस्तान में वारदात करवाने की प्रयास करते हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत फंडिंग भी करने की कोशिश करते हैं। वो पैसा जो यहाँ आता है, यहाँ के कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो इस तरह की कार्रवाई में पड़ते हैं। आपको याद होगा कि 2017-18 में बहुत टारगेटेड किलिंग्स हुई, उन टारगेटेड किलिंग्स में पंजाब में जो टारगेटेड किलिंग्स हुई, स्पेशली हिंदू लीडर्स की, क्रिश्चियन फादर की, और ये जो है डेरा सिरसा वाले डेरा से कनेक्टेड लोगों की किलिंग्स हुई, लेकिन उस पर क्योंकि एनआईए ने बड़ा इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें जितने भी एक्यूज थे जो अवेलेबल थे इंडिया में, सबको पकड़ा और वो अभी ट्रायल चल रही है उन लोगों की, सभी लोग जेल में हैं, किसी को बेल नहीं मिली, तो उससे काफ़ी इफेक्टिव कंट्रोल हुआ। लेकिन ये मैं एक मानता हूँ कि ये लोग जो बाहर बैठे हैं ये अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं,
और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारी जो इंडियन एजेंसीज जो हैं, पंजाब पुलिस है या CBI है, NIA है, हम लोग इन चीज़ों में रेगुलरली इन केसेस को इफेक्टिवली जब तक डील करते रहेंगे इन पर कंट्रोल रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि सारी एजेंसीज स्पेशली NIA इस बारे में बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, गोल्डी बरार या फिर मैं अर्शदीप दल्ला या लॉरेंस बिश्नोई के जो सिंडिकेट है जो कि इस समय वहाँ पर है, उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई सारी किलिंग ऐसी हुई, चाहे सिद्धू मूसेवाला ही हो क्यों ना हो, तो उसमें इसका नाम आया और फिर वो खालिस्तान सपोर्ट है। और जो गैंगस्टर और टेररिज्म का ये जो डेडली कॉकटेल गुरपंत सिंह पन्नू की अगुवाई में बना, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रही है NIA, सर इस सिंडिकेट के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे इन्होंने यहाँ या फिर कैनेडा में रह के, यूके यूएस में रहकर यहाँ पर कार्रवाई करवाने के लिए, आतंकवादी गतिविधियाँ करवाने के लिए इनको हथियार से लेकर सब कुछ मुहैया हुआ। देखिए, आतंकवादी और क्रिमिनल का नेक्सस तो बहुत पुराना है। आपको ध्यान होगा मुंबई ब्लास्ट जो हुए 1993 में, उसमें सब में ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्रिमिनल्स और टेररिस्ट का नेक्सस था। ये नेक्सस चलता रहता है। दिक्कत क्या है कि अब पिछले कुछ सालों में कम्युनिकेशन इतना इम्प्रूव हो गया है कि जिस तरह से कोई दिल्ली में बैठा क्रिमिनल मुंबई में कोई क्राइम करा सकता है, उसी तरह से कनाडा में या यूके में या यूएस में बैठ के इंडिया में क्राइम करवाया जा सकता है, और उस सुविधा का ये लाभ उठाते हैं। देखिए, क्राइम के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन अल्टीमेटली मनी होता है। सारे सच्चाई है ये कि अनएम्प्लॉयड यूथ, स्पेशली पंजाब में तो ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, बड़े आसानी से उपलब्ध हैं, जिनको बहुत थोड़े सस्ते पैसे में, थोड़े में जिन लोगों को इस काम के लिए तैयार किया जा सकता है। तो विदेश से बैठकर पैसा भेजना कोई कठिन काम नहीं है, विदेश से बैठकर उनको पैसा भेज दिया जाता है। और जहाँ तक हथियार का सवाल है, वो संभवतः इतना आसान नहीं है, पर फिर भी हथियार वो जब वहाँ से काफ़ी पैसा आता है तो उस पैसे से हिंदुस्तान में भी वो हथियार प्रोक्योर कर लेते हैं, और वहाँ बैठकर किसी भी इस तरह के मामले की वो प्लानिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं, और यहाँ पर वो हिंदुस्तान में एग्जीक्यूट हो जाता है। सर, ये खालिस्तान जो पूरा सिंडिकेट है, ये टेरर आउटफिट सा बन गया है, चाहे गुरपंत सिंह पन्नू हो, गोल्डी बरार हो या फिर अर्शदीप दल्ला, बाकी जितने भी लोग हैं जो कि अभी फरार हैं, इनके पीछे ISI की कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है? क्योंकि निज्जर का वीडियो आया जो कि लाहौर का था, उसके हाथ में AK-47 थी हाथ में, फिर उसके बाद वो फायर करता हुआ दिखा। पंजाब का एक प्लम्बर कैनेडा गया और वहाँ पर आतंकवादी बन गया, और वो ऐसा आतंकवादी जो कि NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। देखिए, मैं आपका जो सवाल का पहला हिस्सा है कि ISI की इन्वॉल्वमेंट, ISI की इन्वॉल्वमेंट तो हम सदस्य ही जानते हैं। ISI पहले वो सीधा यहाँ से पंजाब में लोगों को डायरेक्टली वो डील करने की कोशिश करते थे। परहैप्स उनको ये कंपैरेटिवली इजी लगा होगा कि वो ये विदेश में दूसरे देशों में बैठे नेताओं को से डील करें, वो जो है फिर वहाँ से बैठकर इंडिया में ऑपरेशन करवाएं। ये एक तरह से थर्ड कंट्री ऑपरेशन रहती है और वो कंपैरेटिवली इजी होता है। सवाल देखिए, पाकिस्तान जैसे देश की एजेंसी, ये उनका काम है, मैं एक सदस्य मानता हूँ, ये उनका काम है, हमारा काम है कि हम उसको काउंटर करें। पॉलिटिकल लेवल पे उस देश को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन दी जाती है ISI की एक्टिविटीज़ के बारे में, लेकिन अगर ISI कुछ करती है, उसका इलाज यही है कि हम उनको अपने यहाँ अपनी सुरक्षा बढ़ाकर, जो भी लोग हैं जो यहाँ उनके टच में हैं, हम उन पर कार्रवाई करें। देखिए, कानून ने हमें काफ़ी शक्ति दी है। अब पिछले समय में जब NIA में कानून भारतीय पार्लियामेंट ने कानून को अमेंड किया, NIA को एडिशनल पावर्स दी,
अब एनआईए को पावर है कि वो देश से बाहर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। देश से बाहर की इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए ने कुछ केसेस दर्ज किए हैं, स्पेशली जो हमारे एम्बेसीज पर अटैक हुए उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है। तो जो विदेशों में लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, हम उनको शायद इतना सीधे ना पकड़ पाएं, पर वो इन्फॉर्मेशन पर हम लोग एनआईए जो है उस पर काम कर सकती है, और मेरा ये मानना है वो काम कर भी रही होगी, और उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करके उनके जो लिंक्स हैं, कोई भी देखिए सबसे पहले उनके कौन दोस्त हैं, उन लोगों का जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो हमारी कोई एम्बेसी पथराव करता है विदेश में, और उन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनकी इंडिया में एड्रेसेस कौन हैं, इंडिया में उनके कौन साथी रहे हैं, वो किन के टच में हैं, उस पर भारतीय एजेंसी काम करेंगी। और मैं यूँ समझता हूँ कि हम लोग ये देश जो है जिस ढंग से हम लोग एकजुट होकर इस समस्या को डील करने में भारतीय एजेंसी लगी हैं, मैं समझता हूँ इस पर काफ़ी काबू पाया जा सके। सर, आप जब देखते हैं कि हाई कमीशन या फिर एम्बेसीज को वेंडलाइज कर रहे हैं, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को हो या फिर यूके हो या फिर कनाडा में उन्होंने पोस्टर निकाल दिए हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स के, आपको लगता है जो ओसीआई कार्ड है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड जो है, उन लोगों का कैंसिल होना चाहिए, या फिर जैसे सरकार अब प्लान भी कर रही है कि उनके लोगों को वीज़ा ना दिया जाए या फिर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन किया जाए, यहाँ तक कि ब्लॉक भी किया? नहीं देखिए, ये सब चीज़ें तो हमारे को करनी ही होंगी कि एक आदमी जो है वो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ भी कर रहा है और हमारी सुविधाओं का लाभ भी उठा रहा है, ये तो नहीं अलाउ किया जा सकता। और इन सब की एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल लगे, उसके लिए जो जो भी रास्ते ज़रूरी होंगे वो हमारे को अपनाने चाहिए और अपनाए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, ये फंड कहाँ से आता है, इनको कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं? फिर से गोल्डी बराड ओपनली घूम रहा है, उसके अलावा गुरपन सिंह पन्नू अपने वीडियोस रिलीज कर रहा है, आज भी उसने वीडियो रिलीज किया, या फिर अर्शदीप दल्ला या बाकी जो जितने भी गैंगस्टर्स कम टेररिस्ट हैं, इनको फंड कहाँ से मिल रहा है? सर, कहाँ से ये एंटी इंडिया कैंपेन चलाकर फंड इकट्ठा कर रहे हैं? कई सारी तस्वीरें आईं जिसमें गुरुद्वारे के बाहर वो है, फंड इकट्ठा कर रहा है। कई सारी ऐसी तस्वीरें थी जहाँ पर वो लोगों से बातचीत कर रहा है, फंड इकट्ठा कर रहा है। देखिए, ड्रग्स से सारे टेररिस्ट का रिलेशन रहा है। मैंने कश्मीर के टेररिज्म को जब हम लोग डील कर, एज मैं एनआईए चीफ, जब हम लोगों ने कश्मीर की कई केसेस किए जिसमें पैसा, ड्रग्स का पैसा विदेश गया है, और विदेश में उस पैसे से उन लोगों ने, वो पाकिस्तान की आईएसआई की भी टच में थे, इस तरह के लोग थे। इन केसेस में देखिए, मेरे पास स्पेसिफिक जानकारी नहीं है कि कौन से क्रिमिनल के पास किस तरह से पैसा आ रहा है, लेकिन एक तो बड़ा, जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं जिनके आपने नाम लिए, ये सब एक्सट्रोशन करते रहे हैं, और एक्सट्रोशन से पैसा, आज के दिन जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह का सिस्टम हो गया है, तो पैसा विदेशों में कलेक्ट किया जाता है, इसमें कोई मतलब छिपी हुई बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि विदेशों में पैसा इकट्ठा किया जाता है। जहाँ तक मेरा मानना है, एक्सट्रोशन एक सबसे बड़ा साधन है इन लोगों के लिए पैसे को इकट्ठा करने का। दूसरा जो है वो लोकल फंडिंग, जैसे आपने कहा कि वो कोई गुरुद्वारे के बाहर खड़े फंड पैसा मांग रहे हैं, पर मैं समझता हूँ देखिए, उन देशों में पैसा कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, पैसा वहाँ से वो लोग आराम से कलेक्ट कर पाते हैं और भेज देते हैं, और जितने भी ये गैंगस्टर हैं, इन गैंगस्टर्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए लोग जब वहाँ खुले घूमते हैं तो वहाँ की लोकल लेवल पर पुलिस को, लोकल अथॉरिटीज़ को उस ढंग से सेट करके रखते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। सर, ये पूरा एक नेक्सस है लोगों को यहाँ पर रेडिकलाइज करने का, लोगों को यहाँ पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलकर कनाडा, यूके, यूएस बुलाने का, और फिर उनको पीआरशिप का बहाना दे या लालच देकर
खालिस्तानी मूवमेंट में जोड़ने का, लगता है आपको ये प्रॉपर सोचा समझा एक नेक्सस है? देखिए ये बात तो तय है कि जब आदमी हिंदुस्तान से, जो यंग लड़के हिंदुस्तान से विदेश में सेटल होने के लिए जब इलीगल तरीके से जाते हैं, तो उनको वहाँ कुछ सपोर्ट तो चाहिए, और उसको सपोर्ट देने के लिए ये लोग वहाँ तैयार बैठे हैं। उनमें से जो लड़के इनको लगता है कि इनके ट्रैप में आ जाएंगे, उनको ये तैयार करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको अपने साथ लगाते हैं। अब ये कहना कि ये स्पेसिफिकली इस काम के लिए इंडिया से कुछ लोगों को बुलाते हैं, बड़ा कहना बड़ा कठिन होगा। सर, निज्जर के बारे में या फिर गुरपंत सिंह बन्नू के बारे में आपने बताया, या गोल्डी बरार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके का है, क्या है जो आपका एनालिसिस है उसके प्रति? मतलब देखिए, ये जो खालिस्तान का जो सो कॉल्ड मूवमेंट है, ये बीच बीच में इनको इस तरह की घटनाएं, जिस तरह की जो ट्रूडो ने की, मैं ये समझता हूँ कि उससे इनको प्रोपेगेंडा तो मिला, लेकिन फैक्ट रिमेंस कि ये इशू, मैं जो समझता हूँ, जिसकी हिंदुस्तान में, पंजाब में 1% से ज़्यादा लोग जो इनके साथ कोई सिंपथी नहीं रखते हैं, उस इशू को वहाँ की पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट देने से वो इशू इतना उछल गया और उस इशू का नेगेटिव एस्पेक्ट ये है इस बात का कि भाई ये मामला उतना उछला, उसको कवरेज मिली, मीडिया कवरेज मिली, सब लोग जानने लगे, जबकि मैं समझता हूँ खालिस्तान इस तरह की कोई चीज़, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हम लोगों ने, भारत सरकार ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, वरना इनको एक, मैं समझता हूँ कि गलतफहमी थी कि इस तरह की बात तो कर जाएं और भारत सरकार उस पर उतना एक्शन नहीं लेगी। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आज के दिन भारतीय जितनी भी एजेंसीज हैं, भारत सरकार बहुत दृढ़ संकल्प लगती है कि वो इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों को टॉलरेट नहीं करती। और ये पूरी वो जानकारी है जो कि हम आपको फॉर्मर डीजी एनआईए वाईसी मोदी के जरिए बता रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय भारत सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि खालिस्तानी आतंकी जहां जहां हैं, उन गवर्नमेंट को उनका पूरा डोजियर दे। इंडिया टीवी के पास वो डोजियर की कॉपी मौजूद है और हमने एक एक डिटेल बारीकी से इस बारे में बताई। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, गुरुग्राम।